My school. My school. Every day in hot and cool, I daily go to my school. Let us learn about young ones. Cat, kitten. Cow, calf. Horse, foal. Duck, duckling. Goat, kid. Sheep, lamb. Hen, chicken. Pig, piglet. Dog, puppy. Deer, fawn. Lion, cub. Camel, calf. Answer the following questions. What is the young one of a cat called? The young one of a cat is called a kitten. What is the young one of a cow called? The young one of a cow is called a calf. What is the young one of a horse called? The young one of a horse is called a foal. What is the young one of a duck called? The young one of a duck is called a duckling. What is the young one of a goat called? The young one of a goat is called a kid. What is the young one of a sheep called? Good morning, students. Welcome to Septon English Medium School. Today we are going to learn about young ones. आज हम सब animals के young ones के बारे में पढ़ेंगे. जो भी animal हो, उसका baby हो, उसको हम उसका young one कहेंगे. Question number one में क्या है? What is the young one of a cat called? जो cat होती है, उसके baby को हम क्या कह के बुलाते हैं? तो हम cat के baby को kitten कहते हैं. तो हमारा answer होगा The young one of a cat is called a kitten. Question number 2 में, What is the young one of a cow called? Cow के baby को हम क्या कहके बुलाते हैं? तो cow के baby को हम calf कहते हैं. तो हम answer लिखेंगे, The young one of a cow is called a calf. Question number 3, What is the young one of a horse called? हॉर्स होता है उसका बेबी को हम क्या कह के बुलाते हैं हॉर्स के बेबी को हम फॉल कहते हैं तो हम आंसर लिखेंगे द यंग वन ऑफ अ हॉर्स इज कॉल्ड अ फॉल क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ डक कॉल्ड डक के बेबी को हम कहेंगे डकलिंग आंसर इज द यंग वन ऑफ अ डक इज कॉल्ड अ डकलिंग क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ गॉट कॉल्ड जो गोट गॉट है उसके यंग वन को हम क्या कहेंगे तो हमारा आंसर है द यंग वन ऑफ अ गोट इज कॉल्ड अ किड क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ शीप कॉल्ड शीप के बेबी को हम क्या कहेंगे
ये जो शेप होता है उसके बेबी को हम कहेंगे लैम्ब। यहाँ पे सब एनिमल की पिक्चर और उसके नीचे उसके बेबी का भी पिक्चर देके यहाँ पे समझाया हुआ है। ओके, तो आपको पिक्चर देख के क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। तो हम शिप के बेबी को कहेंगे लैम्ब। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ हैन कॉल्ड। जो हैन होती है उसके यंग वन को हम क्या कहते हैं, तो चिकन। तो आंसर लिखेंगे द यंग वन ऑफ ए हैन इज कॉल्ड अ चिकन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ पिग कॉल्ड। पिग होता है उसके बेबी को हम क्या कहेंगे, पिग के बेबी को हम कहेंगे पिगलेट। आंसर आएगा द यंग वन ऑफ अ पिग इज कॉल्ड अ पिगलेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द यंग वन ऑफ ए डॉग कॉल्ड। डॉग के बेबी को हम कहते हैं पप्पी। तो आंसर इज द यंग वन ऑफ ए डॉग इज कॉल्ड अ पप्पी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द यंग वन ऑफ ए डियर कॉल्ड। जो डियर होता है उसके यंग वन को हम क्या कहेंगे, तो आंसर है द यंग वन ऑफ अ डियर इज कॉल्ड अ फॉन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ लायन कॉल्ड। लायन को बेबी को हम कहेंगे कब, तो हम आंसर लिखेंगे द यंग वन ऑफ ए लायन इज कॉल्ड ए कब। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ कैमल कॉल्ड। कैमल के बेबी को हम काफ कहेंगे, तो हम आंसर लिखेंगे द यंग वन ऑफ अ कैमल इज कॉल्ड अ काफ। ओके,